और अब आपको बताएं कि फ़जाई सफ़र भी महंगा हो गया है। कौमी एयरलाइन समेत निजी एयरलाइन ने किरायों में इजाफा कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी, अंदरूनी मुल्क जो ऑपरेशन है वो पीआईए का जो 9 ATR तैयार है वो ऑपरेशन के लिए नाकाफी है, जिसकी वजह से दीगर निजी एयरलाइन से उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने किरायों में मजीद इजाफा कर दिया है। लाहौर से जो कराची का दो तरफा किराया बिजनेस क्लास का वो तकरीबन 45,000 रुपये तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पीआईए का लाहौर से कराची का इकोनॉमी किराया जो है वो 14,000 से बढ़ के तकरीबन 23,500 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। इसी तरह एयर ब्लू का लाहौर से कराची का किराया 13,000 से बढ़कर 21,500 रुपए तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि श्रीनगर का लाहौर से कराची फजाई टिकट जो है वो 20,000 रुपए तक फरोख किया जा रहा है। इस तरह पीआईए का लाहौर से इस्लामाबाद का जो किराया वो 7,000 से बढ़कर 14,000 तक और ये बिजनेस क्लास का किराया 20,000 तक वसूल किया जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद का लाहौर से बिजनेस क्लास का किराया भी वो भी तकरीबन 6,000 इजाफे के साथ बढ़ा है। एयरलाइंस उनकी इनकी जन्म से बढ़ते हुए किरायों की वजह से फजाई जो मुसाफिर हैं उनकी मुश्किल में इजाफा है। और दूसरी जन्म सिविल एविएशन। ठीक है, ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे।